बीते रविवार यानी 28 मई की रात राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से एक दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। और इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक लड़का एक लड़की को भीड़ के सामने बेरहमी से मार रहा है। इस अपराधी लड़के का नाम साहिल है और जिस लड़की को इसने बेरहमी से मार डाला वो इसी की दोस्त साक्षी थी। कुछ दिनों तक बात न करने और इग्नोर करने की वजह से साहिल ने साक्षी पर ऐसा गुस्सा निकाला कि उसकी जान ही ले ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे साहिल साक्षी पर चाकू से बार बार वार कर रहा है। इतना ही नहीं, साहिल में साक्षी के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा था कि चाकू से वार करने के बाद उसने भारी पत्थर से वार करके साक्षी को कुचल दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आजकल के युवाओं में इतना गुस्सा क्यों पनप रहा है। युवाओं में धैर्य और सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली में हमने आफ्ताब नाम के युवक का किया हुआ कांड देखा था। उसने भी गुस्से में आकर अपनी दोस्त श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आफ्ताब ने भी जुर्म की सारी हदें पार कर दी थी। उसने श्रद्धा को मारने के बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे और सभी टुकड़ों को शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर फेंक दिया था। 28 मई की रात को साक्षी का मर्डर करने के बाद साहिल दिल्ली से बस लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर भाग गया था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी और अलग अलग टीमें बनाई गयी। 28 मई की रात से पुलिस की टीमें साहिल की तलाश में जुट गयी और लगातार कोशिश के बाद बुलंदशहर में साहिल का ठिकाना पता लगाया गया। पुलिस ने मौका देखते ही आरोपी साहिल को धर दबोचा। उसे बुलंदशहर से दिल्ली लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से दिल्ली पुलिस को साहिल की 2 दिन की रिमांड मिली। अब तक की पुलिस पूछताछ में साहिल ने मर्डर करने की वजह बताते हुए जो खुलासा किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। सबके जहन में एक ही सवाल है, भला कोई सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी का मर्डर क्यों करेगा। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में साहिल ने कहा कि उसने अपने किए गए जुर्म का कोई पछतावा नहीं है। साहिल ने बताया कि वारदात के वक्त बहुत गुस्से में था। इसकी वजह यह भी थी कि कई दिनों से लड़की उसे नजरअंदाज कर रही थी। बताया जा रहा है कि लड़की साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए उसने साहिल से दूरी बनाने शुरू कर दी थी। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। पूछताछ में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने चाकू को रेठाला इलाके में छिपा दिया था। फिलहाल हत्या में प्रयुक्त हथियार को अभी बरामद नहीं किया गया है। जिस तरह उसने चाकू खरीदा और साथ रखकर लाया था तो पुलिस को शक है कि आरोपी साहिल ने 15 दिन पहले ही 16 साल की नाबालिग दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि जब आरोपी साहिल इस घटना को अंजाम दे रहा था तो पास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। एक लड़की ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन साहिल साक्षी पर वार करने से नहीं रुका। और लोगों के जमीन और इंसानियत पर भी सवाल खड़ा होता है। लोग पहले तमाशा देखते रहते हैं और जब कोई बड़ा कांड हो जाता है तो फिर शोक जताते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने यह सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद कहा कि हमारी लोगों से हमेशा अपील होती है, कोई भी इस तरह की वारदात होती है तो मदद के लिए सामने आए, शोर मचाए, ऐसे खड़े होकर ना देखें। संबंधों की दुनिया को ही समाज कहते हैं। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि आरोपी सरेराह चाकू से लड़की को गोद रहा था और लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। अगर हमारे सामने कोई अपराध होता है तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर लोग कोशिश करते तो पीड़िता को बचाया जा सकता था। पीड़िता नाबालिग साक्षी के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा और उन्होंने क्या मांग रखी, आइए ये भी सुन लेते हैं। मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, कहा दो थप्पड़ थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार बार आती है, मत आना। फिर मेरे दिमाग में आ कि नहीं जी माना। हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखो, देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए बोले चलो, घर वाले को ले गए तो वहाँ किसी उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई आगे देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। कैसी हालत थी जब आपने देखा वहाँ पर? मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम, उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे। पुलिस तो पहले आ चुकी थी, पुलिस वालों ने हमारी घरवाली को ले गया। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। अच्छे से मैं बात किया हूँ, 1:30 बजे मुझे कोई बात होती, घटना होती जरूर मुझे बताती कि मेरे साथ घटना बनने वाली है। अच्छे से मेरे से बात की तो ऐसे कौन मार देगा, बोली वो। फिर लड़की चली गई घबरा के, तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखो क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर, बोले तुम गाड़ी में बैठो चलो फटाफट। अपने पति को भी नहीं बता पाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं कॉल करके वहाँ जब पहुँची तब बताई हूँ कि मैं घर जा रही हूँ और आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, ऐसी तो यहाँ जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे, यहाँ लड़की किसी ने मार दिया। तब मेरे आदमी गए वहाँ पर, हमको नहीं देखा। अच्छा, तो आपको क्या रीज़न लग रहा है?
अब हमें पता नहीं क्या कारण से मारा गया है। जब जो जो उसको मारा गया वही नहीं है तो होती तो बता, अगर थोड़ी बहुत मारता कोई थप्पड़ पड़ता तब जरूर बताते कि मुझे इसने इस बात के लिए मारा। जो सबूत मिट गया तो हम क्या जाने कि कौन किस बात के लिए मारा गया। अब तो वही कैमरा वाले देखेंगे वही पता लगेगा क्यों मारा गया कैसे मारा गया। सबूत आप अफसर लोग को ढूंढने का, हमें तो कुछ नहीं पता। अगर उसको थाने में बंद होगा तो छूट जाएगा ही। जो आजकल तो रिश्वत घोरी चलती है, जहाँ पैसा फेंकेगा वो छोड़ देंगे। उसकी जान के बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी साथ और घटना घटेगा। ठीक कर रहे हो। कल आज मेरे को मारा तो कल उसका और तो बढ़ गया कि मुझे उसको सरकार क्या होगा, थाने में बंधूंगा फिर छूट के आऊंगा फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए। लोगों द्वारा आरोपी साहिल को ना रोकना और बस खड़े हुए तमाशा देखते रहने पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लोगों के हस्तक्षेप से नाबालिग साक्षी को बचाया जा सकता था? क्या अब लोगों को सीखना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत? अपने विचार हमें जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।